अलैक्म, आज न्यूजीलैंड ने पहला सेमीफाइनल जीत लिया है। एक वक्त में लग रहा था कि न्यूजीलैंड चेज नहीं कर सकेगा, लेकिन 10 ओवर में फिर 109 रन चाहिए थे और इन्हें 9 ओवर में कर दिए। तो एंड में मिचेल ने और नीशम ने बहुत अच्छी हिटिंग की है। नीशम को बना बना के बॉलें दे रहे थे, अब मुझे लगा शायद व्यू का मसला है, लेग स्टंप का प्लेयर और लेग स्टंप में उसको बॉलें मिल रही थी। तो मिचेल ने भी अच्छी बैटिंग की, शुरू में उससे रन नहीं हो रहे थे, लेकिन एंड में उसको चांस मिला, उसने लिया। तो मैं समझता हूँ कि अगर टॉस हार के हर कोई चेस करने को प्रीफर कर रहा है डे एंड नाइट मैच में, तो टॉस जो हारा है उसको बैटिंग करनी पड़ी पहले, कम अज़ कम 180 तो करें। 180 से कम का स्कोर चेजेबल स्कोर है, अनलेस एंड अंटिल कोई बहुत ही शानदार बॉलिंग कर दें, एक बहुत ही शानदार फील्डिंग हो जाए, कोई मेन रनआउट और कैचेज वगैरह हो जाए। तो नहीं तो 180 से अगर कम करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पाकिस्तान का कल सेमीफाइनल है ऑस्ट्रेलिया से, अगर पाकिस्तान टॉस हारता है तो बैटिंग करनी पड़ेगी, तो इनको कम अज़ कम 180 करना पड़ेगा या 180 प्लस 190 जितना हो सके। अच्छी है, अच्छी बात है। इसी तरह से हमें अगर हम टॉस जीतते हैं तो हमें चेस करना होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी यही सोचेगा कि उससे बड़ा स्कोर सेट करना है, तो हमें उस लिहाज से अपने आप को प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बहुत अच्छी है, फास्ट बॉलिंग भी उनकी अच्छी है और उनके स्पिनर भी अच्छे हैं, हमारे स्पिनर थोड़े से कमज़ोर हैं। देखें कल क्या होता है, न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में कौन पहुँचता है। थैंक यू।